नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। उमरिया घोषित विद्युत कटौती के विरोध में भारतीय मजदूर संघ जिला उमरिया द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय व संबंधित विभाग के मंत्री के साथ जिले के प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। ग्रामवासी जन जो विद्युत की अघोषित कटौती से परेशान है, किसान, आत्मनिर्भर भारत में काम करने वाले आटा चक्की मालिक, ईंट ब्रिक्स बनाने वाले आत्मनिर्भर व्यवसायी जन कलेक्टर कार्यालय में समय से पहुंचकर अपनी परेशानी को सामने रखते हुए ज्ञापन सौंपा। आज हमारा युवा कोई चक्की चला रहा है तो उसे तीन फेज की बिजली नहीं मिल रही है। किसान जो है, जो किसानी कर रहे हैं, वो सोचे पंप चालू करने जाए, तीन फेज की बिजली नहीं मिल रही है। चक्की चलाने वाले को तीन फेज की बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि जो स्वजल योजना गांव में चल रही है वो भी बंद पड़ी हुई है, क्योंकि बिजली थी गांव में तो होती ही नहीं है। यदि आई किसी भी तरह तो एक फेज लाइट दे दी जाती है, दो फेज लाइट दी जाती है, जिससे कृषक भी परेशान है, आम जनमानस परेशान है, चहुओर एकदम सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है, शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो आप शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से मांग करते हैं कि शासन जिस प्रकार कोरोना महामारी को, जो अदृश्य बीमारी है, उससे लड़कर के लोगों की रक्षा, जान की रक्षा किया है, तो बिजली वालों के ऊपर भी अंकुश लगाए, बिजली वालों के अधिकारी जो है सोए हुए है उनको जगाए और उन्हें यह चिन्हित करे या निर्देशित करे या दंडित करे, जिस प्रकार से हो सके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यदि उन्हें कुछ आवश्यकता की कमी है तो पूर्ति करके ग्रामीणों को, श्रमिकों को, श्रमिक स्वावलंबन में जो लोग जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत में काम कर रहे हैं, उन्हें विद्युत व्यवस्था प्रदान कराई जाए। चूंकि हमें यह प्रतीत होता है कि विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर प्रदेश सरकार से असंतुष्ट है कुछ चीज को लेकर के, जिससे जानबूझ करके किसानों को, ग्रामीणों को, सारे लोगों को, अपने जो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अधोघोषित विद्युत कटौती करके जानबूझ के सरकार का नाम बदनाम करना चाहते हैं। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।